हेलो यू दिस इज मी सा हेयर मार्क के लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड सेट अगर आप राइट नाउ सेपरेशन में हो ब्रेकअप हो चुका है और आप जानना चाहते हो कि क्या आपका और आपके पर्सन का पैचअप होगा या नहीं तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो क्विक रीडिंग होगी ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे सो स्टेट यो और रीडिंग चेक करने से पहले रिमाइंड करवा दो कि ये एक जनरल रीडिंग है सब साथ मैच कर भी सकी हर नहीं भी सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेज को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपर से ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी सो so, क्या आपका पाचक हो पाएगा आपके पर्सन के साथ हाँ या ना लेट्स फाइंड आउट इस रेडियो में हम आंसर जानने के बाद और एक गाइडेंस ऐड करेंगे सो अराउंड सो लेट्स सी कि क्या आपका पाचक होगा इस इंसान के साथ हाँ या ना इट्स अप टू यू अगर आप चाहो तो आपका बैचअप हो सकता है अगर आप चाहो तो आपका बैचअप नहीं भी हो सकता यानी कि मुझे जो समझ आती है इस कार्ड के साथ इट्स मॉल लाइक कि अगर आप पेशेंट रहकर चीज़ों को डील करते हो तो बैचअप हो सकता है अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए और आप अपने आप को पॉजिटिव भी नहीं करते हो तो चांसेस जो है वो ना होने जैसे हो जाएंगे सो so, कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि कंट्रोल में है सारा कुछ आपके हाथ में है सब कुछ ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल खो चुके हो इस पूरी सिचुएशन से अगर आप चाहो तो आपका पैचअप हो सकता है अगर आप चाहो तो आपका पैचअप नहीं होगा सो so, ऐसा नहीं है कि पर्सन डिसाइड करेगा इट्स मोर लाइक कि आप अपना एटीट्यूड अपना बिहेवियर इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करके पैचअप करवा सकते हो पर्सन के साथ अगर आप जैसे हो वैसे रहते हो जो सिचुएशन थी वैसी ही रहती है तो पैचअप होने के चांसेस नहीं होंगे अगर आप चाहते हो कि पैचअप हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स एट अगर आप वर्क नहीं करते हो तो पैचअप नहीं होगा लेकिन अगर आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ जाते हो अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो um, और उसके बाद फिर अपने पॉजिटिविटी के ऊपर काम करते हो गिवन सरकमस्टांसिस में जहाँ पर कॉन्टेक्ट नहीं है ब्रेकअप uh, हो चुका है थर्ड uh, पार्टी आ चुकी है उस पूरे सिनारी को आप कैसे डील करते हो उससे डिटर्मिन करेगा कि आपका पैचअप हो सकेगा या नहीं हो सकेगा लेट मी टेक वन मोकॉड हेयर क्या आपका पैचअप हो पाएगा पर्सन के साथ पीसफुल रेजोल्यूशन निकल सकता है बट अच्छा यहाँ पर अगर हम वी डू हैव अस कार्ड अगर हम बात करें दोनों कार्ड्स की कंबाइन करके कि इट्स अप टू यू पीसफुल रेजोल्यूशन यस आप में से कुछ लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना भी पड़ सकता है इस सिचुएशन में अगर आप चाहते हो कि वर्कआउट हो बैचअप हो जाए तो उसमें आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है दूसरा uh, जो इश्यूज़ हैं उन पर एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत रह सकती है सो इधर यू मैनिफेस्टेड सेकेंडली आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तीसरा अगर आप चाहो तो गिवन सर्कमस्टांसिस में आप स्पेशली उन लोगों के लिए अगर आपका ब्रेकअप इसलिए हुआ था कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो उसको भी आप पीसफुली रिजोल्व कर सकते हो ब्रेकअप इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन अगैन जैसा मैंने पहले कहा कि इट्स अप टू यू आप चाहो तो बैचअप हो सकता है चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हो पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हो अपने आप को पेशेंट रख सकते हो फैमिली को मना सकते हो चीज़ें स्टिल कंट्रोल में हैं अगर आप चाहो तो वर्कआउट किया जा सकता है ये रिलेशनशिप स्टिल लेकिन उस सब के लिए आपका पहले सेल्फ़ लव सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद आप चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हो मैनिफेस्ट कर सकते हो सो ट्राई टू वर्क ऑन दैट ताकि आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सको अपने पर्सन के साथ पैचअप कर सको ठीक हो गया बस आपके लिए गाइडेंस क्या है गिवन सर्कमस्टिस में खुदा गिवन सर्कमस्टांसिस जर्नी आपकी जो भी विश है जो भी डिजायर है जैसे पैचअप करना अभी राइट आपकी शायद डिजायर है या विश है या फिर आप चाहते हो कि पर्सन कमिटमेंट देते हो जो कि आपकी विश है हो सकता है आपने खुद ही पैचअप यू नो ब्रेकअप किया हो पर्सन से अगर आपकी ड्रीम है टू गेट पैचअप और ड्रीम है टू गेट मारेड तो कोशिश करो कि जर्नी को इन्जॉय करो यू नो आपको शादी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा यू नो यू हैव टू इन्जॉय द जर्नी यू नो जब तक आप जर्नी नहीं इन्जॉय करोगे दैट मीन्स कि यू आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट आपको बस आगे की पड़ी है आगे का सोचना है तो आप करंट सिचुएशन को इन्जॉय नहीं कर पाओगे करंट सिचुएशन में आप स्ट्रेस्ड आउट रहोगे सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू वर्क थिंग्स आउट पहली चीज़ जो भी आपकी विश है जो भी ड्रीम है जो भी डिज़ायर है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको पाने के लिए देर इज़ अ जर्नी यू you नो know, आप किसी भी यू you नो know, कोई भी क्लास पास नहीं करते हो जब तक आप उसके लिए कोशिश नहीं करते हो या फिर जब तक आप उसको वन डे एट अ टाइम लेके नहीं चलते हो नॉट ना अगर हैपन आउट ऑफ नो तो कोशिश ये करो कि आप अंडरस्टैंड करो कि हर रिलेशनशिप की एक जर्नी होती है अगर आप पॉजिटिवली इस जर्नी को ले चलोगे तो आपके लिए डिज़ायर जो है आपकी आपकी विश जो है वो आसानी से आ सकती है सो तो कोशिश करो कि यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपके सिचुएशन में आपसे क्या गलती हुई है या आप कहाँ से चीज़ें फ़िक्स कर सकते हो पहली चीज़ लेकिन इन्जॉय करना सीखो हर पार्ट ऑफ द जो जो रिलेशनशिप है या प्रोसेस ऑफ द रिलेशनशिप है उसको एन्जॉय करना सीखो ट्राई कि टेक यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम ठीक हो क्या हालास मिस्टिक पावर अगेन आपके पास मिस्टिक पावर है आपके पास डिवाइन पावर है जो कि हर किसी के पास है लेकिन हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हम अपने फियर्स को काफ़ी स्ट्रांग कर लेते हैं हम अपने डाउट्स को काफ़ी स्ट्रांग कर लेते हैं सो so, ये चीज़ आपके पास एक आपका इंट सेंस है आपके पास एक स्परिचुअल पावर है आपके पास एक मैनिफेस्टेशन की टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं लेकिन अगर आप उसको उसके ऊपर वर्क नहीं करते हो उनको इनको उस उस यू नो गिफ्ट को यूज़ नहीं करते हो तो इट्स यूज़लेस आपके लिए आप आपके पास पावर हो कि भी आप अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ नहीं कर रहे हो सो इट्स वेरी आई नो कि मेजॉरिटी लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम कितने पावरफुल हैं हमारे वर्ड्स कितने पावरफुल हैं लेकिन जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हो तो आप देखो यू नो लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंस यू नो आप अगर आई एम श्योर कि यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो इतने सारे लोग निकलेंगे जिन्होंने मैनिफेस्टेशन से क्या कुछ नहीं हासिल किया चलो नॉर्मल लोगों का तो छोड़ो सेलिब्रिटीज़ को देखो चाहे वो बॉलीवुड है हॉलीवुड है यू नो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं आप किसी को भी देखो यू नो दे हैव अचीव्ड सो मच यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अगर आप उसको यू नो एज अ साइंस लेकर चलो तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट है फॉर मेजोरिटी ऑफ यू अगर आप उसको यू you नो know, एक, एक जैसे आप स्कूल्स में कॉलेजेस में लॉज पढ़ते हो यूनिवर्सल लॉज पढ़ते हो प्रिंसिपल्स पढ़ते हो अगर आप इसको ऐसे ही पढ़कर चलो आगे अपनी ज़िंदगी में तो आपके लिए एक उसकी बिलीवेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी आपकी पॉजिटिविटी अराउंड इट वो बढ़ेगी सो so कोशिश करो कि यूज़ योर पावर्स टूल्स एंड टेक्निक्स एफर्मेशन विजुअलाइजेशन हर वो चीज़ जो आपको हर वीडियो में मैं बताती हूँ अगर आप उसको यूज़ करना शुरू करो तो आप अपनी लाइफ में ख़ुद ब खुद बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखोगे पर अगैन इन्जॉय द प्रोसेस और आपकी जो ब्यूटिफुल यू नो जो गिवन पावर्स हैं उनको यूज़ करना सीखो उनको वर्कआउट करना सीखो उनको बेटर करने की कोशिश करो जब आप ये सब करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी विशेज़ हैं डिज़ायर्स हैं वो ख़ुद ब खुद आपके पास चल के आएंगे यू विल बिकम मैगनेट टू ऑल ऑफ दैट सो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और यू हैव टू बी लाइक फियरलेस आपको किसी भी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यू डिसाइड यू चूज़ यू यू मेक डिसीजंस और उससे डिटर्मिन करेगा आपका फ्यूचर सो यप आई होप कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी हेल्प मिला हो एंड इफ इट डेड डू लाइक शैंड सब्सक्राइब और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पर्सनल कोई भी सर्विस चाहते हो जो मैं ऑफर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो रीच आउट टू मी ऑन द ई मेल आई डी गिवेन सो या ये थीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो गाइड किया हो तो Yeah, like I said, do that or take care, bye.